रहा हूँ खुद में तुझको, अपना हो जाऊँ तुझ में, कुछ रहे ना बाकी मुझ में, भूल जाऊँ मैं अपनी गलियाँ, भूल जाऊँ मैं अपनी गलियाँ, इश्क में तेरे इश्क में, इश्क में तेरे इश्क में दिल ये सूफी हुआ, इश्क में तेरे इश्क में। आज मेरा ऑडिशन है, तो आप किस तरह से इस मूवी से जुड़े हैं? इस फिल्म में मैंने एक गाना गाया है जो कि बहुत ही रोमांटिक गाना है, जिसे कंपोज किया है राजेश जी ने, और फिल्म का सब्जेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। आज मेरा ऑडिशन है, उससे पता चल जाता है कि ना इसका मतलब क्या होगा। और ये जो जैसे मुझे इसकी स्क्रिप्ट बताई गई है, इस फिल्म का संदेश ये है कि जो जो लोग ऑडिशन देने के लिए जाते हैं या फिर और वो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें ये कहानी के अंदर बताई गई हैं, और गाना बहुत ज़बरदस्त है, इसे लिखा गया बहुत अच्छा है, कंपोज बहुत अच्छा हुआ है, और मुझे ना इसका टाइटल बहुत अच्छा लगा, आज मेरा ऑडिशन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दो लाइनें गा दीजिए आपने जो गाना गाया। हो गया जाने क्या मुझको, जी रहा हूँ खुद में तुझको। एक आईडी ले लो इंडिया हरियाणा का। ज्यादा हो रही है, बंद कर दो। एक माइक के साथ लो सर आपका, खाली एक गा भी दो आप, ये शूट भी कर लेंगे थोड़ा सर, एक लाइन मॉक सर, एक गा लिया, गा दिया क्या? हाँ। नहीं इस पे माइक पे एक सर, एक लाइन, एक माइक पे। हो गया जाने क्या मुझको, जी रहा हूँ खुद में तुझको, भूल जाऊँ मैं अपनी गलियाँ, इश्क में तेरे इश्क में दिल ये सूफी हुआ, इश्क में तेरे इश्क में। थैंक यू सर। बस हो गया। हेलो सबका नाम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष जोशी है। आशीष, बात करें आज मूवी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे जो आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है? सर आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा सेकंड सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है, जावेद अली साहब कर रहे हैं इसका। पहला सॉन्ग पलक मुच्छल जी करके जा चुकी हैं, और अभी जसविंदर सिंह राणा जी की आगामी पिक्चर है आज मेरा ऑडिशन। तो इसमें आपकी बात करें, किस तरह का किरदार है, क्या है, कैसे जुड़े इस मूवी से? इस मूवी से मैं ऐसे जुड़ा कि तकरीबन 12 साल से मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ मुंबई के अंदर एक कलाकार बनने के लिए, आप तपस्या कह सकते हैं इसको मेरी। 12 साल मैंने काफ़ी संघर्ष करके काम किया, मैंने एज ए हीरो काम किया, राणा जी पिक्चर में मैंने एज ए एक्शन हीरो किया, बट अब 12 साल बाद मैं एज ए विलेन लॉन्च हो रहा हूँ बड़े। किस तरह की मूवी है ये?
ये एक संदेश है सभी के लिए कि आज मेरा ऑडिशन है, ये टाइटल है राणा जी की पिक्चर का, जिसमें आप एक किस्से देखने को मिलेंगे कि बॉलीवुड में आने के बाद में एक्चुअल में क्या क्या आपकी गलतफहमियां दूर होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके वो पाने को मिलती हैं जो आप नहीं सोच पाते हो या मतलब आपकी सीमाएँ नहीं हैं, उसके अपरम पार जाने के बाद भी आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो ये किस्से हैं, बस एक कहानी इनकी, एक हीरो है, उसको आप सब देखने आइए, आज मेरा ऑडिशन है। आपका क्या है इसमें किरदार, किस तरह का? इसमें थोड़ी उधम करता नजर आऊंगा, मेरे किरदार का नाम इसमें उधम सिंह है। उधम सिंह की बात करें, उधम सिंह अपने टाइम में बहुत फेमस रहा है, कुछ जोक्स को लेकर ये वो एक शो भी आता था। उधम सिंह का इसमें किरदार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, थोड़ा चुलबुला एक कलाकार है जो अपने गाँव से आता है एक एक्टर बनने के लिए, क्या सोच के आता है और उसको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो ये आप बड़े पर्दे पे आइए और देखिए आज मेरा ऑडिशन। उधम सिंह की लाइफ के बारे में आपने थोड़ा रिसर्च किया, उधम सिंह की लाइफ बदल गई, मतलब गांव से बॉलीवुड तो कहना उसका सफर। फिलहाल तो सर मैं अपने राणा जी के किरदार में इतना घुसा हुआ हूँ कि बाकी दुनिया के कोई उधम सिंह समझ में नहीं आ रहे। ये गौर से देखो, इस फिल्म का विलेन उधम सिंह सिर्फ ये है, आने वाले समय में पूरा विश्व इस उधम सिंह को जानेगा। थैंक यू सर। आपका नाम? आपका नाम? अच्छा, ये आपका नाम? हाय, वेल मेरा नाम शुभ जोशी है और मैं 2006 से मुंबई में हूँ और मैंने अपनी पहली फिल्म एज ए डेब्यू विक्रम भट्ट के साथ की थी, जो एक हॉरर फिल्म थी, 2010 में ये रिलीज़ हुई थी। एज ए पैरेलल लीड मैंने उस फिल्म में काम किया था। तो ये मेरी राणा जी के साथ पहली फिल्म है। और किस तरह की मूवी है ये और आपके किरदार की अगर बात करें? वेल मैं इसमें लीड में काम कर रहा हूँ, एज ए हीरो काम कर रहा हूँ। ये फिल्म अभी तक जितनी मैंने की है ये एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दोज काइंड ऑफ पीपल्स जो यहाँ मुंबई में आते हैं स्ट्रगल करने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि इससे पहले भी फिल्म आई थी लक बाई चांस, फरहान अख्तर पर वो फिल्म थी, उसी तरह की उस जोनर की फिल्म है, मगर ये काफ़ी अलग फिल्म है। इसमें हम रियलिटी पे काम कर रहे हैं, राणा जी ने जो दिखाया है रियलिटी पे दिखाया है कि जो लोग यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आते हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है एग्जैक्टली मुंबई आके, तो उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें शो की हैं। इस तरह की और भी कई फिल्में आ चुकी हैं, हम किसी का नाम ले सकते हैं, तो इसमें अलग से हटके क्या है? देखिए, इसमें अलग हटके सबसे पहले तो उसका म्यूज़िक है और दूसरा इसके अंदर जो कहानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने रियलिस्टिक रखी है। रियलिस्टिक आप कह सकते हैं कि जैसे सपोज़ कि भाई आप ऑडिशन पे जाते हैं तो ऑडिशन पे आपको कितना वेट करना पड़ता है, आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पीछे कितना भागना पड़ता है और आपको कई कई बार फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा आते हैं, वो तक चीज़ें हमने इसमें दिखाई है। हमने कहीं भी कैरेक्टर को एस्टेब्लिश नहीं किया कि कैरेक्टर एकदम हीरो बन गया, बहुत बड़ा स्टार बन गया, ये चीज़ें इस फिल्म के अंदर हमने कहीं भी ऐसे नहीं दिखाया, जितना हो सके रियलिस्टिक करने की कोशिश किया फिल्म को। सेक्स स्कैंडल जो होता है आजकल कास्टिंग काउच चल रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं इस पर नज़र होगी, बेस भी शायद वही है मूवी का। देखिए, कोई भी चीज़ अगर बनती है तो बनने के बाद सबसे पहली नज़र होती है सेंसर बोर्ड की, ठीक है, हम फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बनने के बाद अगर सेंसर बोर्ड ने काट दी तो वो फिल्म बनाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इस फिल्म के अंदर हमने ये कोशिश की है कि कोई भी चीज़ को दिखाया जाए, दायरे में दिखाया जाए, दायरे में रह के उसको पिक्चराइज किया जाए कि सेक्स स्कैंडल है, तो वो इतना लिमिट में दिखाया जाए कि वो लगे कि ये दिस इज़ सेक्स स्कैंडल, तो वो सेंसर बोर्ड उसे कट ना करे। तो बाकी फिल्म बनने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसी बनती है, क्या बनती है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश नारायण अग्रवाल है। मुकेश, इस फिल्म की बात करें क्या है इसमें, आप एज ए डायरेक्टर हैं, कौन सी मूवी है ये? एज ए डायरेक्टर मेरी पांचवी मूवी है, उसके पहले मैंने तेरी फितरत, इश्क बरसाती पिया, डोरवेल, मंत्रा हाउस की है जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है और इसके बाद मेरी एक मूवी और शुरू हो रही है आ मिस्टेक। तो लाइन से काम है और हर फिल्म की कहानी डिफरेंट है, लेकिन हाँ रियलिस्टिक ड्रामा है जो भी फिल्म मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्टेड है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आएंगे। फिल्म की स्टोरी जो है जी, टाइटल से क्या कहना है, टाइटल से बात कर बात सर, बेसिकली क्या है, ऑडिशन देखा जाए तो जरूरी नहीं कि फिल्म लाइन में ही ऑडिशन होता है, आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम करते हैं हर कहीं एक ऑडिशन होता है, बट ऑडिशन के मायने बदल जाते हैं। हम मुंबई फिल्म लाइन से जुड़ी इस कहानी को जो दिखा रहे हैं इसमें हम ऑडिशन के मीनिंग्स ये दिखा रहे हैं कि ऑडिशन किस तरह के होते हैं और आर्टिस्ट ऑडिशन किस तरह से देते हैं, और हर तरह के आर्टिस्ट फिल्म लाइन में होते हैं, कोई सही रास्ते पर चल के अपने मंजिल को पाना चाहता है, कोई गलत रास्ते पर चल के अपनी मंजिल को पाना चाहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक जिससे पब्लिक रूबरू हुई नहीं है, वही सब सारी चीज़ें हम यहाँ इस फिल्म के माध्यम से दिखा रहे हैं। सर, ऑडिशन पहले भी होता था, आज भी होता है, किसी बड़े डायरेक्टर का हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, विदेशों में ऑडिशन होते थे, आज से अगर राम तेरी गंगा मैली बहुत सारी फिल्मों की बात करें, सिर्फ
ढंग बदल गया है, चीज़ें वही हैं जी, दिखाया गया इस फिल्म में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, पहले जैसे आपने कहा कि हीरोइन खूबसूरत है और प्लस जब तक वो कंट्रोल नहीं करे तो हीरोइन नहीं बन सकती। देखिए सबकी अपनी सोच होती है। हमने इस फिल्म में दोनों चीज़ें दिखाई हैं। एक लड़की होती है जो शॉर्टकट रास्ता अपनाती है, एक लड़की वो होती है कि उसके पास खूबसूरती है, एक्टिंग है, कला है, बट लेकिन वो अपने कला के दम पे ही आगे बढ़ना चाहती है। और अक्सर आप देखिए ये हकीकत है कि जो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं वो चंद दिनों के मेहमान होते हैं, और जो मेहनत से, ईमानदारी से और अपनी कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको टाइम लगता है, लेकिन जब वो निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं कि सारी ज़िंदगी छा जाते हैं। कहीं ना कहीं फैशन मूवी का रीमेक तो नहीं कह सकते इसको हम? नहीं, क्या है देखो, फैशन की एक अपनी अलग कहानी थी। उन्होंने पूरा मॉडलिंग वर्ल्ड को दिखाया था और काफ़ी सारी फिल्में बॉलीवुड पे बनी भी हैं, हर किसी की कहानी अलग अलग। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच होगा, बट हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी कहानी उस फिल्म से मिलती है, हमारी कहानी उस फिल्म से मिलती, नथिंग। क्योंकि मैंने आँखों से जो चीज़ देखी अपने स्ट्रगल टाइम पर, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जसविंदर सिंह राणा जी, उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है, तो हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें नोटिस की हैं, हम लोगों ने वही चीज़ें, वही किस्से हम लोगों ने इस फिल्म में इस तरह से खोया है कि हर आदमी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर वो ये फिल्म देखेंगे तो नेचुरल उन्हें एक सीख मिलेगी और वो उनको किस तरह से बॉलीवुड में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए, उनके अंदर कला है या नहीं है, वो इस फिल्म के माध्यम से अगर वो उनके अंदर थोड़ा सा माइंड होगा तो मेरे ख्याल से जब कला उनके अंदर होगी और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे तो ही मुंबई आएंगे। खाली खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। सर क्या कहना चाहेंगे आज के गाने के बारे में? बस बड़ा खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हो रहा है, रोमांटिक गाना है और जावेद अली साहब कर रहे हैं इस गाने को, और क्या बोलूँ, बस मेरी फिल्म है, इस फिल्म का नाम है आज मेरा ऑडिशन है। अभी जैसे आपने मेरे डायरेक्टर साहब से पूछा कि आपकी फिल्म में उनसे मिलती है या इनसे मिलती है, नहीं, मेरी फिल्म में उन लड़के लड़कियों को संदेश है जो घर बैठे उनको मिलेगा कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप इस तैयारी से हैं, आप एक्टर जरूर बनाएंगे। अगर आप में दम है, आप में कला है, आपको कोई ना कोई रास्ते से उठाएगा, और अगर आप में नहीं है, आप कुछ भी करो, आप नहीं, बस आप में दम होना चाहिए। गाने में कितना दम है ये पब्लिक बताएगी। देखो प्रोड्यूसर के तो उससे बच्चे होते हैं, चाहे गाना हो चाहे एक्टर हो चाहे सब्जेक्ट हो, उसके तो बच्चे होते हैं, चाहे वो नाक भेरी होगी तो अच्छा लगेगा, कुछ भी करो अच्छा लगेगा, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। बाकी हमने तो हमारी पूरी कोशिश करी है। कहीं ना कास्टिंग काउंस से जुड़ी है मूवी? नहीं, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे इसमें ऑडिशन हो, कास्टिंग काउंस ना, 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 नहीं रखा ही नहीं हमने। तो क्या है, यहाँ तीन पहलू रखे हैं। एक लड़की आती है जो लड़कियाँ सोचती हैं मेरे पास बहुत खूबसूरत शरीर है, प्रेजेंट करूँगी, एक्टर बन जाऊँगी। एक आती है मेरे को कुछ नहीं करना, मेरी कला दिखानी है। और एक ऐसी भी आती है जो उजड़ जाती है, जिसको मिस यूज होता है। हमने तीनों पहलू बता दिए। दिखता है तो बिकता है, ये कहावत है बॉलीवुड की। क्या आपके राणा जी की विचार क्या है इसमें? नहीं, मेरा तो ना दिखता ना बिकता, मेरा तो मेरा सब्जेक्ट है बस। मेरी फिल्म का सब्जेक्ट हीरो है और मेरी फिल्म का बस और प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। अब जैसे मैं आपको दो लड़के से मिलाता हूँ, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, ये अब इन लड़कियों को भी मैंने इनके दम पे ही लिया। मैंने इनको रास्ते में देखा, मिली मेरे को, मैंने पूछा आप एक्टर हैं? हाँ बोली मैं एक्टर है। आइए यामिनी जी, ये लड़की को देखिए आप। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। हेलो, माय नेम इज यामिनी साहू एंड आई एम आल्सो एक्ट्रेस, मतलब एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत पे कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मेहनत के दम पे इंडस्ट्री में कुछ करें, अपना नाम करें। सो ये फिल्म है जिसके पीछे हम लोग सभी मिलकर के मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म अच्छी से अच्छी बने, और रियलिटी पे मेहनत हो रही है एक्चुअली। आपको ये मूवी मिली कैसी, आपकी कास्टिंग कैसी हुई इस मूवी की? हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने मतलब देखी कि एक्टिंग क्या है, खूबसूरती, सही बात करें तो खूबसूरती बिल्कुल मायने नहीं रखती, मायने रखती है, बट उसके साथ में आपके साथ में एक टैलेंट होना चाहिए, एक्टिंग होनी चाहिए सबसे पहली बात, जो बहुत मस्ट है इंडस्ट्री के लिए। सो बस उनको ऐसा लगा कुछ ऑडिशन वगैरह लेके सारी चीज़ें परख के कि हाँ कुछ है, आप शायद पब्लिक देखेगी, पब्लिक की साइड करेगी ये मूवी। आज मेरा ऑडिशन में काफ़ी बड़े बड़े सिंगर ने अपनी आवाज़ दी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? या फर्स्ट सॉन्ग पलक मुच्छल जी ने रिकॉर्ड किया है, तो हमने सुना ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये गाना गाया है, बहुत ही मेलोडी सॉन्ग है, तो
पब्लिक डिसाइड करेगी। मुझे तो लगता है कि बहुत मतलब छा जाएगी, ये जो सॉन्ग है बहुत अच्छी सॉन्ग है, बहुत मीठी सॉन्ग है। आपकी जर्नी कैसी रही नॉर्मल गर्ल से एक्ट्रेस बनने तक? मेरी जर्नी एक्चुअली बोला जाए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें एक कोई ऐसा इंसान मिले जो कि आपके टैलेंट को परखे, ना कि आपकी खूबसूरती को। खूबसूरती तो सब में होती है, लेकिन जो टैलेंट को परखने वाला बंदा बहुत कम मिलता है। एंड हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमारे राणा जी, वो शायद उन्होंने शायद हमारे टैलेंट को देखा। तो कब से मुंबई में आप? मुंबई में मुझे हो गए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कभी आपके साथ ऐसा वाक्य हुआ है किसी ने बुलाया, प्रोड्यूसर ने आपको बोला हो कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ये तो एक्चुअली इंडस्ट्री है और ऐसी बातें ऐसी सवाल आते तो होती रहती है। आपके साथ हुआ है, अपना बताइए। या श्योर हुआ है, कई बार हुआ है। मतलब मुझ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन ऑफकोर्स जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या फिर जो छोटे लोग होते हैं जिनको, मैं तो ये कहती हूँ ना कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। बिकॉज कोई भी प्रोड्यूसर जो अपने पैसे लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि उसका काम खराब हो जाए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ तो ठीक है वो कर लेंगे, लेकिन एक्टिंग का क्या जो उनको अपनी कहानी में चाहिए। सो मेरा मानना ये है कि टैलेंट इज़ मस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ के दम पे किसी को कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। बता दीजिए। क्या मेरा नाम अजीत पंडित है और मैं बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। किस तरह से जुड़े इस मूवी से आप? मेरे पास राणा जी का कोला था तो मैंने स्टोरी पढ़ते पे सबसे पहले मैंने स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि वो सब चीज़ें जो हमारे न्यूज़ में करती हैं, एक आर्टिस्ट जो बनने आता है उसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। मेरी जो रियल लाइफ है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, जो कुछ किया है, वो चीज़ें उनसे रिलेट करती थी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यूनिक लगी, जो अभी तक मार्केट में नहीं आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके। इससे पहले मैं काफ़ी प्रोटेक्ट कर चुका हूँ विनर्स के लिए, जी के लिए एक मूवी मेरी आ चुकी है और एक आने वाली है। राणा जी सर मेरी बात उन्होंने मुझे स्टोरी सुना, मुझे अच्छा लगा, मेरा जो बेहतर था कि नहीं अच्छा है। जैसे आपने बताया आपकी इस मूवी में आपका करेक्टर डायरेक्टर का है, तो उसके बारे में इसमें मेरा करेक्टर डायरेक्टर ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा मैं अभी, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर होता है जो मना किया, बट आई एम प्लेइंग ए करेक्टर डायरेक्टर जो कैसे एक इंसान को स्टार भी बना देता है, कैसे इंसान को एक स्टार से लोकेट कर ले पाता है। तो कुछ उसी करेक्टर का कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ कभी कुछ। इस मूवी में बड़े बड़े सिंगर ने अपने आवाज़ से, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अच्छे अच्छा होगा, उतना ही प्रोजेक्ट अच्छा होगा। हम मार्केट में कुछ यूनिक चीज़ लाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कुछ चीज़ें हटके जो आज तक लोगों ने देखी है, बेस्ट आएगी। तो हमें खुशी की पलक मचाल जी ने, चार विताली जी ने हमारे गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। क्या बनना चाहोगे दर्शकों? मैं दर्शकों को देखना बोलना चाहूँगा कि ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी है, आप एक बार जरूर देखिए। राणा जी ने हटके प्रोजेक्ट बनाया, हम सब लोग उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, गाने भी अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, तो आप लोग का फुल एंटरटेनमेंट होगा। सो प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच। नाम फिल्म से क्यों उम्मीद है, पहले क्या काम किए? रोल रोल पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निहारिका ठाकुर है, आई एम मॉडल्स एंड एक्टर्स, मॉडलिंग भी करती हूँ और साथ में मतलब एक्टिंग भी करती हूँ। और मैंने एक मूवीज भी की है बॉलीवुड की, जो कि सितंबर में रिलीज हो रही है। इस मूवी के लिए कास्टिंग कैसी हुई आपकी? मेरी कास्टिंग ऐसे ही, मैं घूमने निकली थी और मेरे को राणा जी मिले, उन्होंने मेरे को रोक के बोला आप एक्टर्स हो, मैंने कहा यस, और उन्होंने मेरे को ऑडिशन लिया, मैंने दिया। फिर उन्होंने मेरी मतलब मेरी पर्सनैलिटी देख के मेरे को नहीं दिया, ओनली मेरे को बोला कि मुझे, मैं तुम्हारे दम पे तुम्हें कास्टिंग कर रहा हूँ, और मैंने उसमें साइनिंग कर दिया। और इस मूवी में बहुत अच्छा मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को, स्टोरीज अच्छी लगी। और इसमें बताया जा रहा है कि मतलब कैसे लड़कियाँ और लड़के आते हैं और मतलब रास्ता भी भटक जाते हैं, लेकिन बहुत कम लड़की और लड़कियाँ एक्टर्स बन पाते हैं, तो वही मुझे उसके बारे में बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है ये मूवी हमारी सुपर डुपर हिट जाएगी, तो आप रेडी रहिए देखने के लिए। राणा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा राणा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत जल्दी मूवी की स्टार्ट। क्या उम्मीद है इस मूवी को? इस मूवी को लिख के बहुत सारी उम्मीदें हैं, मतलब जैसे लड़कियां आती हैं भटक जाती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बट जो भी है इस मूवी को लेके एक मैसेज दिया जा रहा है कि आर्टिस्ट में सिर्फ अदा होनी चाहिए, कुछ नहीं।
बड़े-बड़े सिंगर ने भी अपनी आवाज़ दी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़े-बड़े सिंगर ने, पलक मुच्छल ने, जावेद अली ने हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी मूवी में बड़े बड़े सिंगर। जावेद भाई के लिए मैं कुछ बोलता हूँ थोड़ा। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, माई नेम इज राजेश शर्मा, और जावेद अली साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया है। सर जो राइट साइड है जावेद एंड, और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, और बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना चाहिए। खास करके मेरा फेवरेट गाना है कहने को जश्न बहारा है आपका, ये जावेद माई फेवरेट फेवरेट सिंगर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बहुत मस्ती करता हूँ मानसून में, भीगता भी हूँ, और क्या बोलते हैं, पकवान भी खाता हूँ, कचौड़ियाँ भी खाती हूँ, पकौड़े भी, प्याज के पकौड़े भी खाता हूँ, सब काम करता हूँ जो बरसात में करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, और उसमें जितना हम एंजॉय कर सकें उतना ज़्यादा। कहते हैं सिंगर को काफ़ी तेल की चीज़ें, जैसे कि ठंडी चीज़ें खाने से मना किया। नहीं, मैं ठंडी चीज़ें नहीं खाता, लेकिन ना अच्छे हाइजीनिक पकोड़े ज़रूर खाता हूँ, और अच्छे तेल में बने हुए जगह के नहीं खाता। रियाज करता है वो, राज करता है वो। थैंक यू सो मच।